1994 थलची फ्रेली इख्तिताम पजीर, आखिरी रोज प्रिपेयर कैटेगरी में चार मुकाबले। ए कैटेगरी में आसिफ अफजाल पहले, जैन महमूद दूसरे और जाफर जुबैर तीसरे नंबर पर आए। बी कैटेगरी में मोहम्मद नोमान पहले, आमिर खान दूसरे और उमर मुश्तबा तीसरे नंबर पर आए। सी कैटेगरी में नदीम कोहर और डी कैटेगरी में जफर खान ने पहली पोजीशन हासिल की। थल जीप रैली का आखिरी रोज, 16 गाड़ियां खराब होने के बायस मुकाबले की दौड़ से बाहर। साबिका फातह दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी की गाड़ी खराब, साहिबजादा सुल्तान भी रेस में अपनी जगह ना बना सके। फातह आसिफ अफजाल चौधरी ने पहली पोजीशन हासिल की, कहा कि नया चैंपियन बनकर सामने आऊंगा। मैंने थर्ड में लॉन्च किया था जी, मेरा जो गाड़ी का नंबर है वो 123 है। और देखिए जी, कोशिश तो हर ड्राइवर की होती है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, तो हमने भी कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई बेहतर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। हर चीज में किस्मत का बहुत अमल दखल है। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी की फातह सलवा खान की रोही से गुफ्तगू, कहा कि पोजीशन होल्डर्स में बड़े नाम नहीं देख रही। नादिर मक्सी असद घोड़ों की गाड़ियां खराब हुई, मुस्तकबिल में प्रिपेयर्ड कैटेगरी में हिस्सा लेने के लिए आजम का इजहार। जिस तरह हम लोग गाड़ियां दौड़ाते हैं और कोई ना कोई फॉल्ट निकल आ जाता है और गाड़ी खड़ी हो जाती है, थोड़ा लक भी मैटर करती है। मेरा इरादा है कि मैं प्रीपेड में भी आऊं और इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी जाना है। थल जीप रैली मेले का आखिरी रोज, जिले अफसरान, मुंतखब नुमाइंदों और फनकारों की शिरकत। मुशीर वजीर आला आसिफ महमूद ने कहा कि जनूबी पंजाब के सियाहती मकामात को बेहतर करना तरजीहात में शामिल है। मारूफ गुलकार एजाज राही बोले कि मुजफ्फरगढ़ म्यूजिकल नाइट में शहरों ने खूब एंजॉय किया। रोही के नाजरीन को गाना भी सुनाया। हमारा मकसद यही था कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। लोग यहाँ पर आए, देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर्ड फॉर्म मौजूद हैं, टीलों में मौजूद हैं और बड़ा खूबसूरत टेरेन है। थल जीप रैली का मकसद सराइकी कल्चर को प्रमोट करना है। कमिश्नर डेरा गाजी खान मुदस्सर आज मलिक की छांगा मांगा चीरे के दौरे पर रोही से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने भरपूर कवरेज पर रोही का शुक्रिया अदा किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी इस काविश को तमाम साउथ पंजाब एंड बियॉन्ड रोही एफएम जो कल टीम यहां पे थी सबने मिलके इसको पहुंचाया। दरिया में थल जीप रैली फेस्टिवल की तकरीब, तकसीम इनामात। डिप्टी कमिश्नर जीशान जावेद ने मेहमानों में इनामात तकसीम किए। एमएनए अब्दुल मजीद न्याजी, एमपीए ताहिर अंधावा, असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सलमान टून, एसी लैया न्याज अहमद को शील्ड दी गई। मेहमानों को सराइकी की अजरक भी पहनाई गई। तकरीब के अख्ताम पर साउथ तलबा ने मेहमानों को सलामी पेश की। जट पूरा कद काठ मुंडे का, चल भी जटा, देख जट का प्रेस, देख जट का प्रेस। आसम राजे ने टकने की कोशिश की है। लैया में सजे थल मेले में कौमी खिलाड़ियों का कबड्डी मैच, पाकिस्तान व्हाइट और पाकिस्तान ग्रीन के खिलाड़ी मध्य मुकाबल। डीसी जीशान जावेद और टीपीओ उस्मान एजाज, एमपीए रफाकत गिलानी, ताहिर अंधावा भी शरीक। शायकीन की कसीर तादाद मैच से लुत्फानंदोज हुई। जुनूबी पंजाब में ईरानी टमाटर भी कीमत कम ना करा सका, आज भी 250 रुपए में दस्तियाब। सर्फ टमाटर की कीमत ने शहरियों के मुंह भी लाल कर दिए। दुकानदार कहते हैं बड़े आढ़तियों ने लीमो की तरह टमाटर भी स्टॉक कर लिया। शहरियों का इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा। ओए मेरे अल्लाह, तोबा, इमरान खान साहब, पहले तो हम सोने का हार पहनते थे, अब तो ये टमाटरों का हार पहनते हैं। इमरान खान साहब थोड़ा तो हम पे रहम कर लें। ये देखें, अब ये तो टमाटर भी आपने महंगी कर दी है, अब हम क्या करें। अब तो जो हमारी मम्मा इसमें टमाटर सालन में डालती थी ना, अब तो वही हमें अपनी खर्चियाँ एक एक महीने जमा करके ये टमाटर लेने पड़ते हैं। टमाटर और दीगर सब्जियां महंगी होने के खिलाफ बच्चे भी मैदान में आ गए। ऊद शरीफ की माहनूर बलोच का टमाटरों का हार पहनकर अनोखा एहतजाज, कहा वजीर आजम अंकल हमारा जेब खर्च भी अब टमाटर की खरीदारी में लगता है। माहनूर का वजीर आजम के नाम पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। बहावलपुर की सब्जी और फ्रूट मंडी की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान, कहते हैं मंडी में सफाई नाम की कोई चीज नहीं। आला हुकाम को मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एसी सिटी और मंडी इंतजामिया सूरत हाल का नोटिस लें।
पालक से गुजारिश है कि रोजमर्रा की बुनियाद पर सफाई सुथराई का इंतजाम करना चाहिए उनको, ताकि एक गंदगी ना हो और लोग भी आराम आसानी से आ सके। अब चलने में भी दुश्वारी है लोगों को, जगह जगह कीचड़ है। इंतजामों को नोटिस लेना चाहिए और इसकी सफाई का इंतजाम करना चाहिए। और मुल्तान वारसा की नाइली ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। यूनियन काउंसिल 47 में गटर उबलने लगे, सिवरेज सदा पानी खड़ा होने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। इलाका वकील इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े, आला हुकाम से मसाइल को जल्द हल कराने का मुतालबा।